नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने ट्रंप को अपना मित्र बताते हुए कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने के लिए वो उत्सुक हैं और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि एक बार फिर से साथ काम करने के लिए वो उत्सुक हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो पोस्ट किया है उन्होंने और बीते कल 277 इलेक्टोरल वोट के साथ ही ट्रंप ने ये जीत हासिल की है। इसी के साथ ही वो अमेरिका के यूएस के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में भी कहा कि 45वें राष्ट्रपति के बाद अब वो जब 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि अन्य देशों से मिलकर चलें और आगे अमेरिका को विकास की राह पर ले जाएं। और फिलहाल तो जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का जिसके जरिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं डोनाल्ड ट्रंप को दी है। कमला हैरिस काफ़ी आगे चल रही थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से फिर भी पीछे ही थी। हालांकि जो उम्मीदें थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बढ़त के साथ हम जीतेंगे और वो उनका जो कहना था वो सच भी हुआ। शाम होते होते जो परिणाम सामने आए हैं उसमें साफ नज़र आया कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और अमेरिका की जनता ने उन पर अपना भरोसा जताया है। तो राष्ट्रपति चुनाव पर जीत की बधाई दी है।